वहाँ सड़कों पे खबर छपी अखबारों में, कौन किसे पहले मारेगा, शर्त लगी दो यारों में, शर्त लगी दो यारों में। तो देखें आप, दोस्ती की पहल, दोस्ती के लिए समझ भाव रखने वाले युवा हमारे साथ में है। दोस्तों के लिए क्या नहीं कर सकते, मित्रता और प्रेम जहाँ होती है वहाँ व्यक्ति भागता हुआ चला जाता है। मित्रता की ही उदाहरण है हमारे भाई साहब अविनाश जी। अविनाश जी आज जो रक्तदान करके पुण्यात काम किया है, इससे सभी की जान बचेगी, एक नया जीवन सभी को मिलेगा, क्या कहना चाहते हैं? भाई की स्मृति में आज पुण्यतिथि के उपलक्ष में आज रक्तदान का अवसर मिला है और भाई बढ़ चढ़ में भागीदारी निभा सभी रक्तदान कर रहे हैं। हमारे बीच में एक ऐसे साथी है जो विकास के बहुत ही भाई कहें अनुज के ऐसे साथी थे, एक तो ऐसे साथी हमारे बीच में मौजूद है। वीरभूमि चित्तौड़गढ़ तहसील बड़ी सादड़ी बोर खड़े रहने वाले हैं। फोन लगा दो, फोन लगा दो। जब भी भाई की याद आती है तो आंख से शायद आंसू निकल उठते हैं। ऐसा भाई शायद ढूंढने से नहीं मिलता, रिश्ते ही मजबूत नहीं होते, रिश्ते भी सुदामा दोनों भाई नहीं थे, लेकिन उनमें जो मित्रता थी वो बहुत ही मित्रता थी और ऐसी मित्रता रखने वाले दीपक और विकास दोनों ही अच्छे जिगरी मित्र थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे एक दूसरे के सखा थे। आज रक्तदान इस उपलक्ष में भाई को आपने जो जीवित किया है, आज उसको श्रद्धांजलि देके जो जीवित यादों में जीवित रखा है, भावनाओं में जीवित रखा है, हर एक उस व्यक्ति प्राण में जिसे अभी प्राण त्यागने वाला है, जिसको वो रक्त चढ़ेगा उसके कण में वो रक्त जिंदा है। 80 किलोमीटर और 80 किलोमीटर की यात्रा करके भी आपने अपने 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 मित्र की आपने लाज रखी है, आन बान और शान को रखा है, क्या कहेंगे आज इस दान के इस महापर्व पर? जी दीपक जी आगे भाई साहब, दीपक जी बोल नहीं पा रहे हैं। कैसा समय आ गया है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, हम कहाँ हैं, क्या है, क्या हम अपनी पहचान को भूल गए, क्या रास्ते लग गए हैं, क्या लग रहा है? क्षत्रिय हैं हम के शत्रु हैं, तो क्षत्रिय हो गए हम, शत्रु बन गए, कैसे शत्रु बन गए हम, एक दूसरे के खून बह रहा है, एक दूसरे के घृणा के भाव बन रहे हैं, देखो कोई बात क्यों हो रहा है ऐसा, कौन है जो समाज को अंदर से अंदर खोखला कर रहा है? और नहीं, ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये सोच है, व्यक्ति नहीं है, कोई सोच है। मुझे लगता है कि ये जो नशा है यही हम समाज की जान, कोई भी व्यक्ति सादे में अपराध नहीं करता है, नशे में
बताएं, नशा ने हमारे समाज की ली है और नशे के कारण ही आज के अगर मैं शत्रु है तो वो है नशा। हम देख रहे हैं कि हम अपने मूल स्वरूप से भटकते जा रहे हैं, लेकिन धन्य है वो पुरुष, धन्य है माता पिता जो हमारे समाज में जैसे पुत्र को देती है, जो मरकर भी धर्म पराजय नहीं होने देते, धर्म को रखने के लिए कठोर परिश्रम और हर एक से गुजर जाते हैं। ऐसे भाई साहब सारे जिन्होंने शान बान और शान को हमेशा बनाया, इन्होंने अपने परिवार के लिए नहीं, पूरे जितने भी समाज के जहां भी सर्वांगीण विकास में भागीदारी निभाई है। आज हम अपने मूल मकसद से भटक रहे हैं, युवा भटक रहा है, देख रहा है कि सामने कौन है, मेरा भाई है, मेरा अंकल है, मेरा काका है, मेरा बड़ा पापा है, मेरी माँ है, मेरा दादा है, फिर ऐसी भावना मन में, ये कहाँ से आ रही भावना है, कौन कौन है, कौन शत्रु है? इनका सुधार शराब समाज के हित में भागीदारी बनना पड़ेगा, ना कोई गाल कपड़े लपेट करके अपने हाथों से इन्वेस्ट करें और जैसे प्रोग्राम करते रहे जागृत समाज में छोटे मोटे अपने लेवल पर जितना हो सके चाहे आप फल वितरण करें करें तो समाज जागृति मिलेगी, लोगों का डर खत्म होगा, छोटे मोटे कैंप लगाएगी दूर होगी, जागृता पैदा होगी कि हम एक आदमी से दूसरे आदमी की हेल्प कर सकते हैं, ये भावना हर पैदा होगी तो समाज में एकता आ जाएगी, एकता आते एकता आ जाएगी, एकता आते भाईचारा रहेगा, इसे भाईचारा का बना रहेगा, किसी लड़ाई कौन है हमारा शत्रु? अपना खुद है, अपना मन है, सबसे बड़ा मन खराब धन्यवाद विकास विकास जी की स्मृति में आज काफी तो काफी साथी देखो या रक्तदान